जी मैं तुहानू गंदारा डिजिटल टीवी दे विच खैर लायो कहना वा। अज मैं सोचा कि तुहाडे नाल एक गल रखा कि इंसान दे तारुफ दे बारे नाल जदों सवाल किया जाता है कि तुसी जी अपना तारुफ पेश करो ते तुहाने देखो असी सुना भी उसी कि बंदा कहिंदा जी मेरा यह नाम है वाला साहब दा मेरा यह नाम है मैं फलाने इलाके से मेरा तालुक है। इस तरह जदों बंदा अपना तारुफ पेश कर देना तो उस तारुफ विच एक एक चीज़ भी होंदी है कि जी तू तुहाडी मादरी जबान केड़ी है तुसी अपने घर विच तुहाडी मादरी जबान केड़ी है तुहाडे पिदरी जबान केड़ी है या इस सवाल का जवाब यह होंदा कि जी मेरी मुख्तलिफ लोगों दी मादरी जबान होंदियां किसी की उर्दू किसी की अंग्रेजी किसी की फ्रांसीसी पाकिस्तान देखो तो पश्तो होसी सिंधी होसी बलोची होसी बरावी होसी खुआर होसी वगैरह वगैरह बहुत सी जबान हूँ। मैं अपने बारे चाहा कि मेरी मादरी जबान इनको है मैं पिशोर शहर का रहने वाला वहाँ देखो ये जरा जुबान का हवाला होंगे मैं अपने पिशोर के वाले गल कर सी असी मापी मादरी जुबान के वाले दो तरह के तबकात साढ़े पाए जाते हैं दो तरह के तबके पाए जाते हैं पिशोरिया के एक तबका वह है कि जरा इस मादरी जुबान के हवाले में एसट समझद एक सरमाया समझद है तो एक और रवैया है कि वह इस लाइबिलिटी समझद बोझ समझ दे। ये जो दोनों मैं तुहाड़े सामने रवैये पेश किए बड़े अहम रवैये ने इस रवैये की बुनियाद पर असी फिर फैसला करने बाद लोग मादरी जुबान इनको होने के बावजूद वो इनको जुबान नहीं बोलते बल्कि दूसरी जुबान बोलते हैं या अपने बच्चों दूसरी जुबान बोलते हैं मतलब उर्दू बोलते हैं या अंग्रेजी बोलते हैं तो दूसरे ऐसे लोग होंगे कि जो मैं बयान किया कि जो अपनी जुबान को एसट समझते हैं सरमाया समझते हैं वो लोग खुद भी बड़े इज्जत के नाल बड़े फखर के नाल आपी भी इनको बोलते हैं अपनी घर वाले भी बोलते हैं बच्चों ने भी इनको बोलते हैं इस खातर बोलते हैं कि समझते हैं कि साड़ा एसट है। देखो एसट क्यों जो लोग एसट समझते हैं मैं तुम्हें बताना इस खातर उन्होंने एसट समझते हैं कि उन्होंने पता है कि इनको जुबान एक जी हवाला बड़ा शानदार हवाला वे ये किधरों बहरों आए लोग नहीं गए इसी शहर के लोग हूँ जो हजार साल से इतने रेंदे पेन तो इस खातर वो अपने इस हवाले को बड़ा मुतबर समझते फखर बोलते हैं। तो मैं तुम्हें आखिरी गल ये कह कि ये जरा जुबान का हवाला है ना ये साढ़े एक शख्सियत का बड़ा वाला तारुफ भी है। देखो अल्लाह ने मनु जिस तरह मेरा जिसम दिता है मनु रंग दिता है इसी तरीके से अल्लाह ने मनु ये मादरी जुबान भी दी है ना मनु पैदा करने वक्त या मेरा पैदा करने से पहले अल्लाह ताला ने मेरे से नहीं पूछा कि ए बंदे तेन मैं किड़ी मादरी जुबान के घर पैदा करा तो रब का फैसला है रब ने मनु इनकुवाना के घर किशोरिया के घर पैदा किया तो मेरी मादरी जुबान इनको हो गई तो मैं अपने इस रब के फैसले को एसट समझ के सरमाया समझ के जो मैं इसको कबूल कर सा इस मन सा तो मेरे अंदर एक ताकत आसी तो मेरे बच्चे के अंदर भी ताकत आसी तो उन्होंने अंदर जो ताकत आसी तो वह इस तरीके से बड़े 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 नाम पैदा कर सकूँ क्योंकि जो बंदा अपनी किसी शह से शर्मावे तो उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता जी कदर होती है कमजोर होती जाती है तो वह दूसरे सामने माजत खुआना रवैया लैके पेश कर सू माजत खुआना रवैया नहीं बल्कि सू फखर के आपको इनको आह्वान कहना चाहिए। बहुत शुक्रिया।